नमस्कार, मैं हूं आस्था तिवारी और बीटी टीवी के खास प्रोग्राम घुमक्कड़ में आप सबका स्वागत है। भारत जहां हर कदम पर पर्यटकों के लिए कुछ ना कुछ खास जरूर होता है, तो चलिए इस बार सैर करते हैं पश्चिमी की ओर। जी हां, जहां के अद्भुत नज़ारे आपको वहां घूमने पर मजबूर कर देंगे। आज घुमक्कड़ में मैं आपको बताऊंगी सफ़ेद रेगिस्तान कहे जाने वाले रण ऑफ कच्छ के बारे में। यूं तो गुजरात हीरो के साथ साथ पर्यटक स्थलों के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। यहाँ मंदिरों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों, वन अभ्यारण आदि देखने को मिलते हैं। उनमें से एक है जो आकर्षण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो है ग्रेट रण ऑफ कच्छ। जी हाँ, जिसे सफेद रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सैर करते हैं ग्रेट रण ऑफ कच्छ की। ग्रेट रण ऑफ कच्छ, जो सफ़ेद रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ नमक ही नमक होता है, जो कि रण उत्सव के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ अनोखी जैव विविधताओं, प्रवासी पक्षियों और जंगली गधे आदि के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कच्छ का रण गुजरात राज्य के कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ एक नमकीन दलदल है। कच्छ का रण लवणीय दलदली भूमि है, जो पश्चिम मध्य भारत और दक्षिण पाकिस्तान में स्थित है। यह लगभग 23,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मूलतः अरब सागर का विस्तार रहा कच्छ का रण सदियों से एकत्रित होने वाले अवसाद के कारण एक बंद क्षेत्र बन गया है। कच्छ का रण समुद्र का ही एक सक्रिय अंग है, जो भूकंप के कारण अपने मौलिक तल को ऊपर उभार ले आया। सिकंदर महान के समय यह नौकायन योग्य झील थी, लेकिन अब यह एक विस्तृत दलदीय क्षेत्र है, जो मानसून के दौरान जलमग्न हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ होने वाले उत्सव के बारे में, तो उत्तरी गुजरात में कच्छ जिले में दिसंबर में कच्छ कार्निवल मनाया जाता है, जिसे रण उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। भारत पाकिस्तान सीमा पर आयोजित रण उत्सव के दौरान ऊंट की सवारी का लुत्फ उठाते हुए सब यहाँ पर बहुत ज्यादा मजे करते हैं। हर साल होने वाला रण उत्सव में हजारों लोग शामिल होते हैं। तो ये थी हमारी घुमक्कड़ में रण ऑफ कच्छ की जर्नी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वीडी टीवी भारत।